आरबीआई के द्वारा बैन और शेयर मार्केट में बिकवाली के बीच पेटीएम की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। पिछले कुछ ही दिनों में पेटीएम पेमेंट्स बैंक का यूजर बेस तेजी से गिरा है, साथ ही पेटीएम के ओवरऑल यूजर्स अब दूसरे प्लेटफॉर्म्स की ओर रुख कर रहे हैं। महज कुछ ही दिनों में पेटीएम की राइवल फोन पे के यूजर बेस में 15-20% का इजाफा देखा गया है, साथ ही कंपनी का मर्चेंट बेस भी इस दौरान काफी तेजी से बढ़ा है। लेकिन पेटीएम के लिए कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, यूजर बेस में कटौती के अलावा भी अब इसकी कॉम्पिटिटर कंपनीज पेटीएम के टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रही हैं। ये कंपनीज पेटीएम के सेल्स और टेक एम्प्लॉयज को हायर करने में काफी इंटरेस्टेड नजर आ रही हैं। हालांकि राइवल कंपनीज का मानना है कि अगले कुछ समय में उनके प्लेटफॉर्म पर पेटीएम से कई बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव ज्वाइन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इंडियन डिजिटल पेमेंट मार्केट में 46% मार्केट शेयर के साथ फोन पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऐप है। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बनाने के लिए फोन पे बैकएंड पर भी काम कर रही है। इसके अलावा फोन पे ने फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज, वॉलमार्ट के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जॉन डी रैनी और चीफ पीपल ऑफिसर जॉना मॉरिस को कंपनी के बोर्ड में शामिल किया है। इस लिहाज से अहम माना जा रहा है क्योंकि कंपनी अपने ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा लेना चाहती है। फोन पे के इस नए प्लान पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए पैसा लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें।